जिस तरीके से अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है, उसी तरीके से अमेरिका की आज दुनिया के सामने फजीहत हो रही है। और आज की डेट में अमेरिका घुटनों के बल पड़ा हुआ है। तो भाई इतना जलील होने के बाद में जब इंसान तब बौखला जाता है तो यार अमेरिका क्यों ना बौखलाए। और इस बौखलाहट में अमेरिका जो भी चाल चल रहा है वो खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे रसिया और यूक्रेन को लेकर S-400 को न खरीदने की नसीहत, या फिर पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से F-16 को अपग्रेड करने की एक बड़ी मदद, हर बार अमेरिका को ही मुंह की खानी पड़ रही है। और इस बार अमेरिका ने जो बड़ी चाल चली है वो है पाकिस्तान और साउथ कोरिया के बीच में एक बड़ा रिलेशन क्रिएट करना। तो आइए समझते हैं अमेरिका की इन सभी चालों को, जिनकी वजह से वो दुनिया के सामने एक बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। दोस्तों रिसेंटली जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन के बीच में एक महायुद्ध चल रहा है उस पर भी अमेरिका ने एक बड़ा माइंड गेम खेल दिया, जहां एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को अपने खतरनाक हथियार भेज रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूस की S-400 बनाने वाली कंपनी को अपने कंप्यूटर पार्ट्स बेच रहा था। और रसिया भी इन्हीं मिसाइलों को दबा के यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जब भारत और तुर्की को S-400 ना खरीदने की नसीहत देने वाले अमेरिका की फोल खुली तो सारी दुनिया के होश उड़ गए। और उसके बाद अमेरिका की दुनिया के सामने फजीहत होने लगी, क्योंकि अमेरिका ने तो तुर्की को अपने F-35 समझौते से ही अलग कर दिया था, और साथ ही साथ तुर्की पर कई सैन्य वैन भी लगा दिए थे। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका, बल्कि अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने की और उसे तकरीबन 500 करोड़ की एक बड़ी मदद दी थी, उस पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिका में घुसकर अमेरिका को ही धमकी दे दी थी। और इसके जवाब में अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए ये मदद आतंकियों से लड़ने के लिए है। लेकिन रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। तो यार अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है, तो फिर इतनी बड़ी मदद करने की क्या जरूरत थी। तो यार यही सवाल जब व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया तो इसके बाद ये महतरमा काफी तिलमिला उठी और फिर से पूरे अमेरिका की फजीहत करा दी। लेकिन अमेरिका ने इस बार जो तीसरी बड़ी चाल खेली है वो पाकिस्तान और साउथ कोरिया के रिलेशन को क्रिएट करना है, क्योंकि जब से पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने साउथ कोरिया के दुश्मन नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी दी है, तब से अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। और साउथ कोरिया भी अपने अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के ही इशारे पर दक्षिण कोरिया ने अपने दुश्मन देश के मददगार से मजबूरी में हाथ मिलाया है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के बीच में जो रक्षा सौदा हुआ है वो अगर देखा जाए तो वो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का है, क्योंकि इस बार अमेरिका दक्षिण कोरिया को मोहरा बना के एक बड़ा माइंड गेम खेलना चाहता है, क्योंकि जापान की तरह दक्षिण कोरिया पर भी अमेरिका का ही कब्जा है। और दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिका के तकरीबन 29,000 सैनिक तैनात हैं, और यही अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया सेना को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया तो सिर्फ अमेरिका के आदेशों का पालन करता है, क्योंकि अमेरिका में दक्षिण कोरिया के अंदर अपने कई मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं। दोस्तों अब देखना हो कि अमेरिका फिर से अब कितनी बड़ी फजीहत दुनिया के सामने कर पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।